फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रोज बोले जाने वाला टॉपिक, यानी एक ऐसा टॉपिक जिसका इस्तेमाल अक्सर आप अपने लाइफ में करते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहाँ कहते हैं मैंने कुछ न करने का वादा किया है, जैसे मैंने झूठ न बोलने का वादा किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप कहें मैंने कुछ न करने का वादा किया है को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप कहेंगे आई प्रोमिस नॉट टू प्लस वर्ब। आइए इस बात को एग्जांपल में समझे ताकि आप बात को पूरी तरीके से समझ सकें। फ्रेंड्स, लेसन की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे करूंगा एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये लेसन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। मैंने झूठ न बोलने का वादा किया है, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्रोमिस्ड नॉट टू टेल अ लाई। मैंने शराब ना पीने का वादा किया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्रोमिस्ड नॉट टू ड्रिंक अल्कोहल। मैंने सिगरेट ना पीने का वादा किया है, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्रोमिस्ड नॉट टू स्मोक। मैंने देर ना होने का वादा किया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्रोमिस्ड नॉट टू बी लेट। मैंने चोरी न करने का वादा किया है, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्रोमिस्ड नॉट टू स्टील। मैंने किसी के साथ बदतमीजी न करने का वादा किया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्रोमिस नॉट टू मिसबिहेव विद एनीवन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ आप कहें मैंने कुछ न करने का वादा किया है, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आई प्रोमिस नॉट टू करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। बाय द वे फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहना हो कि मैंने कुछ करने का वादा किया है, तो फिर आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने सच बोलने का वादा किया है, तो आप कहेंगे आई प्रोमिस टू स्पीक ट्रूथ। मैंने कड़ी मेहनत करने का वादा किया है, आई प्रोमिस टू वर्क हार्ड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।